नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम्स। वॉल्यूम क्या होता है? कोई अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना स्पेस घेर रहा है, उसको कहते हैं हम उसका वॉल्यूम। ठीक है। या अगर हमें दिया है ऑब्जेक्ट कोई हॉलो है, वो हॉलो है तो उसका इंटीरियर जो है वो उसमें कोई चीज हम डाल सकते हैं, कोई चीज रख सकते हैं। तो जितना लिक्विड और या गैस अगर हम उसमें पोर करते हैं, तो जितना लिक्विड और गैस वो होल्ड कर रहा है उसको कहते हैं वॉल्यूम। उसको उसका कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर भी कहा जाता है, वॉल्यूम को। तो कहीं किसी क्वेश्चन में हमको कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर पूछ रहा है, तो दैट मींस इट इज आस्किंग अबाउट द वॉल्यूम। ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है वॉल्यूम्स और क्या इनके फॉर्मुलेज हैं, हम देखेंगे। इसमें स्फीयर्स, कोन्स, इन सबको हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, ये बड़ी आपकी हायर क्लासेस में प्रूव करने को आएगा, पर अभी हम इसको फॉर्मूला देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड में अगर हम देखें कि अगर हमको एक बेस दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको एक बेस दिया हुआ है, अब इस बेस को मैं कुछ हाइट तक एक दिया हुआ है जिसका लेंथ एल है और ब्रेथ बी है। तो ऐसा एक शीट दिया हुआ है हमको और इसके ऊपर मैं नंबर ऑफ शीट्स रखते चले जाऊं, बहुत सारे शीट्स इसके ऊपर रखते चले जाऊं अप टू हाइट एच, नंबर ऑफ शीट्स रखते चले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम नंबर ऑफ शीट्स रखते चले जा रहे हैं, तो व्हाट इट बिकम, इट बिकम्स क्यूबॉइड। और हम इसको शीट कहां तक रखते हैं? अप टू द हाइट एच। तो व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या कह सकते हैं हम? वॉल्यूम कह सकते हैं कि बेस एरिया अप टू द हाइट एच इज कॉल्ड वॉल्यूम, बेस एरिया इंटू एच हाइट इज नॉन एज वॉल्यूम। तो बेस एरिया क्या होता है? एल इंटू बी इज द बेस एरिया एंड दिस बेस एरिया इज लिफ्टेड अप टू द हाइट एच, इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया? एल इंटू बी इंटू एच। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्यूब। क्यूब के केस में क्या होता है? L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, तीनों बराबर होते हैं। लेट इट बी ए, तो क्यूब क्या हो जाएगा? दैट इज ए इंटू ए इंटू ए, दैट विल बी इक्वल टू ए क्यूब। क्यूब की हाइट क्या हो गई? क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया? दैट इज ए क्यूब। ठीक है। नाउ सिलेंडर, इफ यू टॉक अबाउट सिलेंडर, इसका बेस क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर, बेस हाइट इंटू एच अप टू दी हाइट एच, अगर इसको लिफ्ट करते हैं देन बेस इंटू हाइट एच, तो क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इफ वी टॉक अबाउट कोन, कोन के लिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई कोन हमने लिया है, एच हाइट है, आर रेडियस है, और सेम हाइट और रेडियस का हमने एक सिलेंडर ले लिया है, एच हाइट है और आर रेडियस है, इसमें अगर हम कोई लिक्विड फिल करते हैं या हम कोई सैंड फिल करते हैं और उसको हम यहां पोर करते हैं, तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर वन थर्ड ही भरेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज वन थर्ड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। डन। स्फीयर का बात, स्फीयर की बात करें तो स्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब, फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब, दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और उसका हाफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम विल बी टू अपॉन थ्री पाई आर क्यूब। ठीक है, ये टेबल हमारी एक इंपॉर्टेंट टेबल है, सारे वॉल्यूम्स के फॉर्मूले यहां पे हैं, इन पर बेस अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, व्हाट इट सेज, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 liters of water per head per day. Okay, if it has a tank measuring this dimension is given to us, for how many days will the water of this tank last? क्या कह रहा है ये? एक गांव है जहां पर लगभग 4000 लोग रहते हैं
और हर आदमी का पर हेड पर डे, एक आदमी पर दिन 150 लीटर वाटर यूज करता है, ठीक है। और उस गांव में पानी सप्लाई करने के लिए एक टैंक है जिसका डायमेंशन ये दिया हुआ है, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कितने दिन तक अगर ये पानी एक बार भर दें तो ये कितने दिन तक की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम देखेंगे अगर इसकी कैपेसिटी टैंक की कितनी है, कितना पानी इसमें स्टोर हो सकता है। तो कैपेसिटी निकालना है मतलब ये बोल रहा है कि हमको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और उसमें कितना पानी भर सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक, ठीक है। अब उसके बाद हमको देखना है कि इस गांव की पर डे की रिक्वायरमेंट कितनी, ये तो एक आदमी की रिक्वायरमेंट है इतनी, तो 4000 की रिक्वायरमेंट कितनी होगी ये हमें यहां से निकालना है और हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड दी कैपेसिटी, सॉल्यूशन देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, दैट इज वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 1800 मीटर क्यूब। नाउ दिस इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब दूसरी चीज देखनी है पानी, वाटर रिक्वायर्ड पर डे, तो कैसे निकालेंगे। फॉर वन डे फॉर वन पर्सन इट इज 150 लीटर, वाटर रिक्वायर्ड फॉर वन पर्सन पर डे इज इक्वल टू 150 लीटर, ठीक है। तो वाटर रिक्वायर्ड बाय द विलेज, तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पर्सन पर डे कितना होगा, दैट इज 150 इंटू 4000, दिस कम्स आउट टू बी 1 लीटर्स में दिया हुआ है हमको, ठीक। अब ये हमको लीटर में दिया हुआ है और ये हमको मीटर क्यूब में दिया है, तो इस लीटर को हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, कन्वर्जन वाला में, एंड दैट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 600 मीटर क्यूब, दिस कम्स आउट टू बी 600 मीटर क्यूब, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज, तो हमारी क्या है कैपेसिटी है 1800 मीटर क्यूब की और एक दिन में रिक्वायरमेंट है हमारी 600 मीटर क्यूब की, तो नंबर ऑफ डेज जो हमें पूछा है, क्या पूछा है हमको, नंबर ऑफ डेज वाटर टोटल कैपेसिटी अपॉन रिक्वायरमेंट, दैट इज 3 डेज, 3 दिन तक ये पानी यहां पर लगेगा। यहां मैं आपको एक टेबल से बताता हूं जिससे कि आप सब ये लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर पाएंगे, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। हमेशा हमको याद रखना है क्या कि 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, अगर हम ये याद रख सकें तो बेस्ट है, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, ओके। 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml, ये हमको याद रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, 1000 cc इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। 1000 cc मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, 1000 cm³ इज इक्वल टू 1000 ml। नाउ क्या बन गया, 1000 cm³ इज इक्वल टू 1 लीटर, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, ये हमको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। 1000 cm³ इज इक्वल टू 1 लीटर, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो यहां से आप इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फिर और एक बार 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 cm³ इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। 1000 cm एक और बार 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बिकम 10^6 cm³ इज इक्वल टू 1000 लीटर, बन गया। अब 10^6 cm³ का मतलब होता है 1 m³, ये मालूम है ना, 1 मीटर में 100 cm, तो ये बन गया 1 m³, 1 m³ इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये चीज हमको याद रखना है।
ये हमको बार बार क्वेश्चंस में आएगा कि वॉल्यूम को लीटर और ये सीसी को लीटर या फिर इसको, ये सब आते रहेंगे लीटर में कन्वर्जन का, ठीक है। और इसको कई जगह पे लिखा है 1 m³ = 1 kL, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ये और ये हमारे काम आने वाली चीजें हैं। 1 m³ = 1000 L और 1 L = 1000 cm³। और इसको बेसिक जो है वो ये है 1 cc = 1 ml अगर हम याद रखेंगे तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं रहा, अगर ये कंफ्यूजन भी हुआ तो कुछ ही सेकंड्स में आप यहां से डेराइव कर सकते हो। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अ रिवर इज 3 m डीप एंड 40 m वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 km/h। हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन ए मिनट। व्हाट इट सेज कि एक नदी है जिसकी की गहराई जो है वो 3 m है और उसकी विड्थ चौड़ाई दैट इज 40 m, और वो उसकी जो स्पीड है पानी जो बह रहा है दैट इज 2 km/h स्पीड से। हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन ए मिनट। एक मिनट में कितना पानी समुद्र में चले जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा हम इमेजिन करते हैं, इमेजिन करके देखते हैं। मैं ड्रॉ करता हूं इसको ना। ये नदी है, लेट अस टेक, ये ऐसे समुद्र में गिर रही है, ऐसा गिरती नहीं है समुद्र में, बट इमेजिन कर लीजिए कि ऐसे समुद्र में गिर रही है, ठीक है। इसकी विड्थ हमको दी हुई है, विड्थ हमको 40 दी हुई है, डेप्थ दी हुई है। द थिंग इज कि इसको और थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। मैं नदी है कहीं दूर से आई है और ये पानी ऐसे यहां से गिर रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ हमको दी हुई है, डेप्थ दी है 3 और विड्थ दी है हमें 40, ठीक है। अब देखिए इसे क्या कह रहा है, 2 km/h की स्पीड से आ रही है। 2 km/h की स्पीड से आ रही है मतलब 1 घंटे पहले ये कहां पे होगा, मतलब कोई वॉटर अगर यहां है आज की अभी यहां गिरने वाला है जस्ट टू फॉल, तो 1 आवर पहले वो कहां होगा, वो पार्टिकल 1 आवर पहले होगा 2 km पे, यहां पे होगा इस जगह पे, दैट इज 2 km, ठीक है। तो ये पार्टिकल 1 घंटे पहले 2 km पहले होगा, ठीक है। तो 2 km में क्या है, 1 घंटे के अंदर में ये जितना वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर है ये पानी यहां से यहां गिर गया है ना, 1 घंटे बाद ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर में ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, मतलब इतना पानी जितना ये वॉल्यूम था इस पानी का, ये पानी पूरा की पूरा 1 घंटे में समुद्र के अंदर चला गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमको फाइंड आउट करना है कि कितना पानी समुद्र में गया पर इसने यहां दिया है इन 1 मिनट। तो वी कैन कन्वर्ट 2 km/h को हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 2000 m/min, 2000 m/2000/60 है ना, 2000 km कन्वर्ट किया 2000 m आ गया, आवर कन्वर्ट किया तो 2000/60 m/min, यानी कि ये कोई पार्टिकल जो अभी यहां है ये 1 मिनट पहले कहां था, ये यहां पे रहा होगा। तो डिस्टेंस कितना है, ये 2000/60 m, ये 2000/60 इतने मीटर था 1 मिनट पहले, और उस 1 मिनट के अंदर में ये पानी यहां पर गिरने वाला है। इसका मतलब इतना वॉल्यूम पानी शिफ्ट हो चुका है समुद्र के अंदर, तो हमको यही तो बता रहा है। तो अब क्या बन गया, अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं तो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा जिसका कि ये लेंथ है 2000/60 m, विड्थ दिया है हमें 40 m, और जो हाइट दी है वो दी है हमें 3 m, ठीक है। तो जितना ये पानी, जितना वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का आएगा उतना ही पानी नदी में गिर जाएगा। नाउ दिस क्या करेंगे हम, इस वॉल्यूम निकालना है हमें, दैट इज 40 × 3 × लेंथ कितना है 2000/60, या पहले लेंथ लिखना है तो लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है। ना इसको हम सॉल्व करते हैं, इट इज 4000 m³,
4000 मीटर क्यूब पानी एक मिनट में समुद्र के अंदर गिर जाएगा। क्लियर। लेट अस टेक एन एग्जांपल। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज गिवन टू अस एज 35 सेंटीमीटर एंड फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम्स। ओके, नाउ लेट अस सी क्या कहता है कि एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जिसका कि आईडी दिया हुआ है इनर डायर दैट इज 24 सेंटीमीटर एंड ओडी दैट इज आउटर डायर दिया हुआ है हमें 28 सेंटीमीटर और लेंथ भी दिया हुआ है, हमको उसका मास बताना है। नाउ लेट सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ना। एक पाइप है, पाइप मतलब हॉलो है, बीच में से खाली है और ये इस तरह का है, ये बीच में से खाली है, इसका जो फिल्ड पोर्शन है वो ये वाला है, इतना ये वुड से बना हुआ है। ठीक है, बीच का पोर्शन खाली है। ठीक है, और इसका जो आउटर डाय दिया हुआ है दैट इज 28 दिया है और जो इनर डाय दिया है दैट इज 24 हमें दिया हुआ है। ठीक है, और ये लेंथ हाइट या लेंथ इसको कह लीजिए दैट इज 35 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, ऐसा हमको दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट कि हमका हमारा इसका वॉल्यूम कितना है, कितने वॉल्यूम से बना हुआ है या कितना वुड से बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वुड है इसका सिलेंडर का वॉल्यूम। लेट्स फाइंड नाउ, गिवन क्या है हमें, गिवन दिया है आउटर डाया दैट इज कैलकुलेटेड बी डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो हमको डाया से क्या करना है, हमको चाहिए है रेडियस, तो आउटर रेडियस आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनर डाया दैट इज स्मॉल डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, देन लेट्स टेक स्मॉल आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नाउ हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम होगा वॉल्यूम। अब दो तरीके हैं, तरीका ये है कि हम पहले पूरा वॉल्यूम निकाल लें और उसमें छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें। दो सिलेंडर बनते हुए दिख रहे हैं हमको, बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम को उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, तो क्या बन जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, एच दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये बन जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। नाउ ये आप इसको एक ऐसे फॉर्मूला भी ले सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो, इसका फॉर्मूला भी बना मान सकते हैं आप इसको, या तो इसको याद कर लीजिए या ऐसे फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं, सेकंड्स में निकाल सकते हैं कुछ सेकंड्स में। ठीक है, तो क्या बन जाता है ये, नाउ आर कैपिटल आर दैट इज 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इंटू 35। ठीक है, ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, इसको सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 196 माइनस 144 इंटू 35 दैट कम्स आउट टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा दैट इज बी 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5720 सेंटीमीटर क्यूब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम्स, ये हमें दिया है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम्स। ठीक है, तो 5720 हमारा वॉल्यूम क्या था, 5720 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 इंटू 5720 ग्राम्स
इसको सॉल्व किया हमने तो आया हमारा 3432 ग्राम्स, या और भी कह से 3.432 केजी। दिस इज अवर आंसर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। व्हाट इट सेज, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन टू पैक्स, ए टिन कैन विद ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर फर्स्ट, एंड द सेकेंड पैक इज प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डाया 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, विच कंटेनर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। व्हाट इट सेज कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो दो पैक्स में आता है, एक टिन का कैन है, टिन का जिसका रेक्टेंगुलर बेस है 5 सेंटीमीटर एंड बाय 4 सेंटीमीटर का उसका रेक्टेंगुलर बेस है और हाइट 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा एक प्लास्टिक का सिलेंडर सर्कुलर बेस के साथ जिसका डाया 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट 10 सेंटीमीटर है, विच कंटेनर हैज गैप्स, जिसमें ज्यादा कैपेसिटी है और कितनी ज्यादा है ये हमें बताना है। तो लेट अस ड्रॉ एक टिन कैन का पहले ड्रॉ कर लेते हैं जिसका की रेक्टेंगुलर बेस है। ये एक टिन कैन दिया है जिसका जो रेक्टेंगुलर बेस है एक 5 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी हाइट हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और दूसरा हमें दिया है एक सिलेंडर, इसका कि ये डाया है 7 सेंटीमीटर और ये हाइट दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। नाउ ये पूछ रहा है कि किसके कैपेसिटी ज्यादा है, किसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ सकता है, तो कैपेसिटी पूछना है इसका मतलब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, इन दोनों का हम वॉल्यूम निकालेंगे आपस में कंपेयर करेंगे दोनों को। ओके लेट्स सी फर्स्ट केस, में वॉल्यूम या हम कह सकते हैं कैपेसिटी या वॉल्यूम, इसको हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं, कैपेसिटी और वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ये क्यूबर्ड हो गया, तो क्या क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 15 लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, दैट कम्स आउट टू बी 3300 सेंटीमीटर क्यूब, 300 सीसी, ठीक है। नाउ सेकेंड केस में ना कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर एच, तो क्या बनाइए 22/7, पाई की जगह हम 22.7 लेते हैं, 22/7 लेते हैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 3.5 इंटू 3.5 और एच हाइट हमने लिया 10 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 385 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ऑल्दो इसकी हाइट कम है मगर फिर भी इसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा है, ठीक है। तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा हुई, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर, तो क्या आंसर आया, दैट इज कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन, टिन कैन, या आप प्लास्टिक कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन कैन, कितनी ज्यादा है 385 बाय माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज 85 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी कैपेसिटी इस प्लास्टिक सिलेंडर की टिन से ज्यादा है।